यार आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक स्टोरी की हेल्प से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा यार। तो वो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है, एक सक्सेसफुल पर्सन होता है और एक अनसक्सेसफुल पर्सन होता है। तो अनसक्सेसफुल पर्सन सक्सेसफुल पर्सन से क्वेश्चन करता है कि स्टोरी सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस जब ये वर्ड सुनता है सक्सेसफुल पर्सन, तो वो उसको जवाब देता है कि कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलना, वहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँगा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या चीज़ है। तो अगले दिन अनसक्सेसफुल पर्सन भी उधर नदी के किनारे पहुँचता है, सक्सेसफुल पर्सन भी सुबह वहाँ पर पहुँचा हुआ होता है। तो जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो वेट कर रहा होता है वाटर लेवल अप होने का नदी में। जैसे ही वो नदी में वाटर लेवल अप होता है, सक्सेसफुल पर्सन अनसक्सेसफुल पर्सन को लेके जाता है नदी में और पानी के अंदर उसको डक कर देता है, मतलब कि ऐसे सर पे हाथ रख के उसको नीचे पानी के अंदर डुबा देता है। उसको उसके अंदर जब तक डुबा के रखता है जब तक उसकी ऑक्सीजन पूरी खत्म नहीं हो जाती और वो फेंट नहीं होने लग जाता है, यानी कि बेहोश नहीं होने लग जाता। जैसे ही उसे पता लगता है वो हल्का हल्का बेहोश होने लग गया है, वो उसको बाहर निकालता है और उससे क्वेश्चन करता है कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी। तो वो आंसर करता है, जो अनसक्सेसफुल पर्सन होता है वो आंसर करता है एयर। तो जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो रिप्लाई में कहता है कि यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। व्हेन यू वांट सक्सेस एज बैडली एज एयर देन ओनली यू विल गेट सक्सेस। यही है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यानी यार इसका ये मतलब है कि जब तक आप सक्सेस को, जितना आपके लिए एयर इम्पॉर्टेंट थी उस वाटर के अंदर जब आप थे, जब तक आप उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी।